तो आज मुझसे मिलने वाला है कोई, तो मतलब मैं बता रही हूँ उसे, बोल कुछ। मैं तुम्हें आता है ऐसा बोलना, बेइज्जती करा रही क्या मेरी? आईफोन है तो इसके नेटवर्क नहीं आते हैं ना अंदर, तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एनके ब्लॉग। और आज की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 10 o'clock से, और अभी बैठी हुई हूँ मैं छत में। और आज क्या है स्पेशल? आज देखो मेरे यहाँ पे पिंपल्स निकल गए, एक यहाँ पे निकला, एक यहाँ पे निकल गया, पिंपल्स निकल गया मेरा, ये वाला दर्द कर रहा है, पेनफुल है। और मेरे और फ्रेंड्स, मेरे लव स्टोरी वाले ब्लॉग जो मैंने डाला था, प्लीज़ उसको ढेर सारा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, उस चैनल उस वीडियो को मेरा ढेर सारा प्यार दीजिए। सब क्या ढूंढ रही है अब, यहाँ देख ले, यहाँ तो अच्छी लग रही मैं। ये तो थी शादी की है ना, ना, ना ये धारी देवी। ये यहाँ देख और दिखाती हूँ, ये चाहती ऐसा वाला सुन, मेरे पास भी थे ऐसे पलड़ी वाला। बता मेरी मम्मी का कितना पुराना पैसा है। अब तो मन्नू यार, मन्नू को देखो, मन्नू को कितना समझ में आ रहा है, वो भी नानी है उधर तो। मेरे आवाज आएगी पापा लाल से बाहर निकल गया। हाँ गोरे लगे ना, फिल्टर में तुम्हारे तो पहले पे हीटर छोड़ना होता था, वाइट ब्लैक वाले। चाची ने कौन सी वाली पैंट पहन के थे जो जूते, वो जूते वो वाले पहने के थे वो, जो हम स्कूल लेके जाते हैं काले वाले। तो पहले के जमाने में वो भी बड़ी बात होती होगी, वो पढ़ते थे ना चमचा माला वो। मेरी मम्मी है वो पैंट जींस वाली, सुन पा गया पैर ही छुप गए उसके, पहले के पैरों के नीचे भी कितने बड़े बड़े बना रखे। मनो खूब समझ मारे जी, ऐसे वाले लेकर के थे पैंट कि जूतों के अंदर उतर वो मेरी दीदी की सगाई की फोटो है, चाची की फोटो के पीछे साड़ी बिछा रखे क्या? जो बैकग्राउंड हो, बैकग्राउंड में साड़ी ऐसे करके लगा के पाई जाती है। अब तो पहले के जमाने में होता था, पहले इतना वो कहां की सुविधा। एक डायरी रख के आगे को सोच रही होगी मैं, बहुत पढ़ाई हूँ सारी, जब पढ़ना का टाइम था तब तो घी खाने आती थी, कुराने खाने मेरे यहाँ नहीं खाती थी हमारे यहाँ। तो यहाँ को सकल नहीं दिखा रही हूँ अपनी। तो मैं बोल रही आप देख ले फिर अपनी दिखेगी। ना ना मैं देखती, पागल है क्या तू? तो तेरा कुछ भरोसा नहीं है भाई, वहाँ एफबी का डाल दूँ। अब तो क्या हो गया, कौन देखेगा? क्या पता, बहुत जान पहचान है मेरी एफबी। मेरी एफबी में थोड़ी ना होगी, मेरे में तो मेरे रिश्तेदार हैं। ये यूट्यूब में डाल देती, ये वाली सुनता और ये वाली सुनता, मैचिंग कर रही है आप कर रही। अब मैं पता नहीं कैसे कैसे ऊपर हो गया भी, तेरी मेड इधर आला इस कर ले हो। मेरे मन को कितनी समझ में आ रही बात, बंद कर से। निधि बेल लेने कैसे चलाते हो ना? बेल लेने स्कूल तो पढ़ाई नहीं। ये कह रही कि फोन नहीं हटाएगी तब तक मैं वीडियो की तरफ नहीं देखूंगी, मेरी बहुत जान पहचान है, पर फेसबुक पर लोग मुझे वायरल कर देंगे। पहले तो आई टीवी में गाने गिर गया, कहीं चले ना चले ना पता हमारा वहां आएंगे फिर कह रहे तेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे मेरी शक्ल देख के, बोले इसलिए देख पीछे दिखाई। चाचा वैसे तो आएंगे नहीं, ऐसे तो आएंगे, टीवी खराब हो जाएगी तब। चाचा तो नहीं आएंगे, चाची जरूर आएंगे। चाचा तो नए नए वाली दुल्हन बनने के बिल्कुल बारे में निकल रहे। ये मेरी बचपन की क्लासमेट है, अब पता नहीं आप ऐसे शर्माने वाली कैसे हो गई, नहीं तो ऐसी थी नहीं है। मैं तो कल कैसे हो गई नहीं, तो शर्माने वाली कैसी हो गई ऐसी तो थी। तो ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना चाहती है, बोला मेरी शक्ल देखे कहीं कोई बेहोश ना हो जाए एक आधा। ज्यादा सुंदर हूँ ना मैं ज्यादा सुंदर हूँ लग रही। चल मैंने हटा दे कैमरा, हो जा फिर। नहीं हटा रहा,
सब तो बन रहा है, अब तो बन रही नहीं बन रही, तो भी तो इतने भाव खारिज है, पता नहीं क्या कैटरीना कैफ होगी। हाँ बोलो। हेलो गाइस, मैं हूँ कंचन मेहरा और स्वागत करती हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपनी फ्रेंड के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, स्टाइल की मारी मुझसे बोल कुछ, अच्छा मुझसे बोल मत, ये तो बोल दे मेरी बचपन की क्लासमेट थी, क्या क्या थी जरा हिस्ट्री बता दे। हम लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार कोई नहीं समझता, लंगोटिया कौन से जमाने में जी रही है, तो कौन समझता लंगोटिया यार, पता नहीं बोलेंगे क्या बोल रही है लंगोटिया, लंगोटी लंगोटी नहीं आता है। एक तो मेरा ब्याह हो गया, ब्याह हो गया तो अभी कोई नहीं कहेगा तेरा ब्याह हो रखा ना, लाल देख लेगा साली वहां, यही करने के लिए तूने मुझे छोड़ा होगा। मनु समझ रहा सबसे ज्यादा, क्या दांत तोड़ूंगी ना, ये बता स्कूल में कितने तक पढ़ी, क्या पढ़ती भी थी नहीं पढ़ती थी, और यहाँ की बता तो यहाँ ये पढ़ने में थी जीरो, इसलिए इसको मार पड़ती थी। ये हमारी स्कूल की टॉपर थी। मैं तो टॉपर थी यार। निधि को एक दिन सुस्ती सर ने मारा, कह रहे बेटा ये बाल तुम्हारे ना ससुराल में जाके जला दिए जाएंगे। लेकिन ससुराल में जाके जलाए नहीं गए यार, मेरे बाल भूने गए। बुने भी नहीं यार, मेरा इतना अच्छा खासा बेबी है, मेरा हस्बैंड है, बोलो मन्नू। मन्नू हंसने में मस्तूर का, मेरे पापा को दस्त लग रहे होंगे वहां। इधर को तो देख तब दूंगी, जरा स्टाइल तो मार दे इधर को, मेरे पास तो आईफोन है, दिखाओ तुमको मैं। मैचिंग मैचिंग बिल्कुल कपड़ों के साथ मैचिंग। क्या बोलते हैं, मैं दूध देने आई थी, मेरे दूध का रेट आ रखा है 29 रुपए, बस खाली 29 रुपए, 29 रुपए 44 पैसे, मतलब कितने किलो का, 2 किलो का। मतलब इसका मतलब तुमने दूध में पानी ज्यादा मिलाया था इसलिए फैट कम आया। नहीं एक्चुअली हमारी गाय ज्यादा पानी पी लेती। नहीं तो 50 रुपए किलो जाता है गाइस, अगर अच्छा फैट हो दूध का, मतलब मोटा दूध हो, तो हमारा गोबर ही जाता है। 100 रुपए किलो गोबर जाता है और 27 रुपए 29 रुपए किलो ज्यादा दूध वाला, क्या बंद नहीं है। अपनी माँ को बोले बंद कर ले कैमरा, इसमें स्मार्ट लग रही ना मैं। मेरे पापा को दिखा देना ऐसे कपड़े जरा, पापा बोलेंगे ये अच्छी कपड़े पहना देंगे, कपड़े पजामा पहने का ना इसके नीचे, और क्या स्टॉकिंग पहने की, मैं ऐसी हूँ क्या, अरे मैं तो खा के चलाऊंगी, तो घर में उनको कौन खिलाएगा, पहले बताते मैं उनको भी लेकर आती हूँ। इतनी इतनी भीड़ भाड़ नहीं, हमारे यहाँ गैस नहीं आया, गैस भी खत्म होगा, नहीं आ रहा होगा पापा का फोन। तो कंचन स्कूल में लाती थी मेरे लिए मलाई, यानी मम्मी के पैसे चोर चोर के लाती, बराबर बराबर हिस्सा करके देती थी मुझे। हम मेले में जाते थे जंगल में, और पढ़ाई छोड़ के इंटरवेल में एक रुपए के आते थे चार चिंगम गोल गोल वाले, रंग बिरंगे वाले, दो कंचन दो मैं खाती थी, बराबर बराबर हिस्सा करके पैसे। हम चोर भी देते थे उसकी दुकान से, हमारे लाला का नाम गुड्डू था, हमने अपना लाला चेंज कर दिया, फिर हमारे दूसरे लाला का नाम तुलसी था। ये स्कूल से भाग जाते थे पीरियड टपा के इंटरवेल में, और आते थे एक क्लास पीछे, कोर्स करने चले गई, फिर ये गोबर फेंकने वाली कंचन को भूल गई, और कभी कभी आती थी ये, और फिर जैसे तैसे मैंने 12th पास कर लिया। फिर 12th पास करने के बाद मैंने यही सिडकुल कोटद्वार में जॉब की, और मेरी कंपनी का नाम KMC इलेक्ट्रॉनिक था, मैंने 9 घंटे की ड्यूटी 4500 रुपए में की। फिर मैंने धीरे धीरे 8 घंटे कर दिया वहाँ,
फिर मैं वहाँ पे यूनियन लीडर बन गई। अब फिर इसको निकाल दिया कंपनी से। निकाला नहीं मुझे कभी। फिर मेरा क्योंकि कहते हैं फिर पता नहीं क्या क्या हो गया यार वहाँ तो। फिर निकल गया। क्या हो गया? ब्याह के बाद नहीं, ब्याह के बाद आजकल मायके पे छुट्टी पे आ रखी है काम करने। नहीं, ब्याह के बाद मैं तीन जाना मैं बोलती रही हूँ। ब्याह के बाद मैं 3 साल अब लखनऊ रही, लखनऊ घूमी, 1 साल मैदानता में जॉब की लखनऊ, और फिर मेरा पति निकम्मा हो गया ज्यादा, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और आप? मैं अपने घर पे हूँ। मैं यहाँ पे नौकरी कर रही है घर पे। मैं 2021 में आ गई थी 7 सितंबर को। सब याद है, डिवोर्स केस चल रहा है, मैंने डाला था 10 दिसंबर को। सारा याद है। और क्या कहते हैं, अब 1 साल होने वाला है और 1 साल की एनिवर्सरी होने वाली है। और आप गाइस, मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही है। आपको कहीं भी दिखे मैं आपको फोटो भेजूंगी, आपको वो आदमी कहीं भी दिखे तो तेरा 4 लाख बजा देगा। और अब यहाँ मायके में कैसी ड्यूटी चल रही है आपकी? मायके में हम श्री सत्य महाराज जी के घर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा काम ज्यादा है, झाड़ू पोछा बना, खेतों का काम भी करना पड़ता है, कभी कभी सिंह मेहरा के डंडे भी खाने पड़ते हैं, गालियां भी खानी पड़ती है, और क्या करें, जाके गाली खानी पड़ेगी मुझे, ऐसा लग रहा है, संभावना लग रही है ऐसी। ये मेरे घर लेट तक बैठ गई गाइस, इसलिए इसको डर लग रहा है कि इसके पापा घर जाके इसको डांटेंगे, और अभी बाजार घूम के आ रही है ये। मैंने मेकअप किया है, मेकअप तो कुछ नहीं किया। मेकअप नहीं किया है, सिंपल ही बहुत स्मार्ट लग रहा है। मेकअप नहीं किया है। और मैं क्या बताऊं? और ये बता, तो आपका खर्चा कैसे चलता है फिर? खर्चा बोला तो सही, श्री सिंह मेहरा जी के घर में काम कर रहे हैं, तो खाना पीना रहना सहना सब फ्री है मेरा। और कभी 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 कभार महीने में एक मुहूर्त निकल जाता है, 500 रुपए मिल जाते हैं, मतलब फ्री सेवा मिल दे रही है। गाड़ी भी इधर उधर जाने के लिए कभी कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। पेट्रोल खुद डलाना पड़ता है 500 रुपए का, मेरे से 300 रुपए का पेट्रोल डल जाता है, 200 रुपए मेरे चाउमीन खाने के लिए बच जाते हैं। अरे इसकी लाइफ ठप हो गई गाइस, से पहले बहुत बाजार बाजार घूमने वाली थी, उन्होंने घेर दिया इसका डब्बे का ढक्कन। अब क्या होता है, घर जाके दूध देने आए थे, दूध का डब्बा है, और ये अब मैं जा रही हूँ पानी भरने। पानी भरने के दूध लेने, लोग देखो कैसे जुलूम करते हैं मेरे पे, 5-5 लीटर के डब्बे पकड़ा के बोलते जाओ पानी लेके आओ। सुंदर नारी से कोई काम करवाता है? सुंदर नारी को क्या वहां बैठा के रखे टीवी में सजा के अलमारी में? अब ये क्या, मेरी टी शर्ट कैसे लग रही है आपको? लिप्स लिप्स वाली। तो गाइस इधर कौन दिख रहा है? चलो ठीक है, ये ले, अब दोबारा हमारे यहाँ आते रहना। अंगूठी छुपाने में लगी मुझे। मेरी फ्रेंड जो मेरी बचपन की क्लासमेट थी, मतलब छोटे से हम दोनों साथ में पढ़े, टीके के लगाने हम दोनों का साथ में जाते हैं। सुंदर हूँ मुझे पता है, ये मेरे से पहले से जलते हुए आई है, और ये अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जयपुर भी दौड़ गई थी, यहाँ से ऐसी ही आई। पर क्या कर सकती, देखो नेचुरल ब्यूटी तो नेचुरल ब्यूटी होती है, गाँव में रहने वाली है ना गाइस, आपको ही पता है मैं तो और ऊपर पहाड़ में रहती हूँ, वहां जाके मैं और सुंदर हो चुकी हूँ। पहाड़ में तो ये अब गई है। तो गाइस आपको पता ही है, आप बताना दोनों में से कौन सुंदर है। मैं ये पहले गाइस ये पहले से ही काम छोड़ थी, और काम छोड़ के अपना वहां भाग गई, इसने सोचा मुझे जयपुर जाके कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, वहां जाके इसको और काम करना पड़ा। क्या है क्यों करना पड़ा, मैंने तो फर्स्ट क्लास नौकरी की, जॉब की, अच्छे से चले मेरी लाइफ। और गाइस यही देखो गाइस, ये है, अब आप लोग कमेंट करके बताना कि दोनों में से कौन अति सुंदर है। और तो ये था, इससे इंट्रो कराना था, मुझे बहुत टाइम हो गया था इससे मिली नहीं। और हाँ, इसने मुझे बहुत बड़ा झूठ बोला, मुझे बोला यहाँ एक मेला लगा था कि वहां से जाऊंगी, बोला था इसकी नाक बहते रहती है। नहीं बह रही है गाइस, ये देखो बार बार ऐसे तो कर रही, ये तो स्टाइल है मेरा। तो गाइस इसने बोला था, होता है नाक बोलने के बाद ऐसे बोलते हैं, तो स्टाइल है। इसने बोला था मेला लेके जाऊंगी, ये मुझे लेके नहीं गई, और सुबह और अपना फोन स्विच ऑफ कर गाइस, जब मुंडे वाले कपड़े पहन के कोई बच्चा नहीं बन जाता है, खुद भी जा सकता था मेला देखने, आप छोटी बच्ची थोड़ी ना रह गई, बच्ची की माँ बन चुकी है। तो गाइस मैंने इसको बोला था कि स्कूटी है, कभी बेबी रोएगा तो मुझे कभी भी घर लेके आ जाएगी। गाइस देखो मैंने अभी अभी घर जाके मार खानी है, मुझे बचाने तो आएगी नहीं ना, मैं इसको घुमाने को चल रहा। बचपन के दोस्त इतना नहीं कर सकती थी, अब फिर झूठ क्यों बोला गाइस? बचपन के दोस्त ही मुझे डंडे खिला रही है। तो गाइस
पूछो मेरे पापा ने। तो गाइस मैंने तो इसको बोला नहीं कि मैं आऊंगी, इसी ने मुझे बोला कि चलना और सुबह तैयार रहना फोन करके। और सुबह जब मैं फोन मिलाते रही इसने फोन ही बंद कर लिया अपना। तो बताओ ये किस तरह बात है। आईफोन है तो इसके नेटवर्क नहीं आते है ना अंदर, तो जरा मेरा घर 3G वाला है ना, 5G है तो ये चल नहीं पाता है, इसलिए मेरा नंबर नहीं लगा। तो गाइस मेरी गलती नहीं है ना, इसको मेरे घर आना चाहिए। चलो गाइस उसके बाद इसका नंबर लगा, फिर इसने कॉल बैक भी नहीं किया। गाइस मुझे ठंडा कराने के फुल प्लानिंग में है। चलो अब ये जा रही है, बाय बाय, इसको बोलना आते रहना, मिलते रहना। और अब मैं ससुराल जाने वाली हूँ। उसको बाप रे मैंने तो बोला ही नहीं तुझे। मैं जाने वाली हूँ अब घर, अब पता नहीं आएगी नहीं आएगी। मेरी सगाई में आई थी, ये इनके लिए था जो मुझे नंबर देंगे। जो मुझे शादी करके ले जाने वाले हैं, सर दर्द बढ़ाने वाले हैं। ओए उसमें आएगी मेरी एक तो मैंने इतना सर दर्द कर दिया तो बेचारा झेल ही नहीं पाया। मेरा बाबू भी रो रहा है, कह रहा वो मेरे को पकड़ो, कह रहा है ये, कह रहा मेरी भी वीडियो बनाओ, ये कह रहा मौसी के साथ बहुत वीडियो हो गई, बस मौसी ने बहुत ड्रामे कर दिया, अब मौसी को भेजो घर, मौसी नहीं तो मार खाएगी। बस तो एक ही कमती के दूसरे भी लेके आ गई है अपना डबल रोल। तो अच्छा है, बोलो मेरा बेबी तो अच्छा है। नहीं गेट तक छोड़ने जा रही हूँ, अपने बच्चों को भी झूठ बोली है, चीजें लेकर आती हूँ। मैं इसको गेट तक छोड़ के आ रही, मैंने सोचा क्या पता उसकी मौसी कुछ दिला देगी उसके लिए, तो मैं इसको गेट तक छोड़ने जा रही हूँ। ऐसे भी मेरा बाप मुझे पैसे नहीं देता। सुनो अंदर से बंद कर, मन्नू भी आएगा। अब मैं इसको घर तक छोड़ने जा रही हूँ। अब पापा मेरी रोटी खा चुके हैं, मम्मी रोटी। चलो अब मैं इसको छोड़ के आती हूँ फ्रेंड, घर तक मैं छोड़ के नहीं आ सकती क्योंकि मेरा बच्चा घर में रो जाएगा फ्रेंड्स। और इसका तो क्या है, ये तो बिल्ली है, तो हम तो हो गए बच्ची नींद आई अच्छी। हाँ हम तो परिवार वाले हो गए। नहीं गाइस फ्रेंड्स आपको पता है फैमिली में खुशी तभी आती है जब एक पूरा परिवार होता है, बच्चे हो, हस्बैंड हो, सास ससुर हो, तभी परिवार में मतलब अच्छा लगता है ना। चौराहे तक अब ये कह रही चौराहे तक आ जा, मैं कैसे जाऊँ चौराहे तक, मेरे पापा शायद मुझे चौराहे से देख रहे हैं। ओहो इसके पापा देखे तो मुझे भी गाली देंगे गाइस, तो मैं नहीं जा रही हूँ। मैं किसी मेरे पापा ही है ना, वो कहाँ है ना यार, तो तेरे पापा इतने लंबे कहाँ है, मेरे पापा का दाढ़ी बता रही है। इसके पापा गए रामलीला में खेलते थे कुंभकर्ण का पार्ट में, जा रही कंचन यहीं से ना, तू भी चल मारेंगे हल्ला मत नहीं मारा निकल गए।